हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और जैसे कि स्प्रिंग सीजन आ चुका है और इंडिया में होली आने वाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना कि होली के उन कलर्स को मैं अपने घर में लेके आऊं और अपने घर को कलरफुल डेकोरेट करूं। तो उसी के लिए मैंने ये कलरफुल फ्लावर बनाया है। इसके लिए हमें चाहिए, ये बेस है केक का, जो बेस होता है ये वो है, मैंने रखा हुआ था, मेरी बेटी का बर्थडे गया उसका केक का बेस था। और ये पोस्टेड जो हमको हम सबके पास होते हैं, ये लेटर पैड्स टाइप होते हैं, ये पोस्टेट पेपर्स, ये है। अगर ये नहीं हो तो आप कोई भी कलरफुल पेपर ले सकते हैं। फेवी स्टिक मैंने ली है और फेविकॉल चाहिए, बस आपको इसके लिए यही चाहिए। और इनकी ये जो पोस्टेट पेपर्स हैं, इनकी जगह आप कोई भी दूसरे पेपर्स, कलरफुल पेपर्स ले सकते हैं, उन्हें स्क्वायर शेप में काटना है। मैंने ये पोस्टेट यूज किया है क्योंकि मुझे काटना नहीं पड़ेगा। अभी मैंने ये जो पेपर है इसको लिया हुआ है और इस पर मैं फेवी स्टिक लगाऊंगी। ऐसे यहाँ पर फेवी स्टिक लगानी है, ये मैंने फेवी स्टिक इस पे लगा दी है। और इसका मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी इसको, ऐसे ऐसे आपको फोल्ड कर कर और कोन बनाना है। ये देखिए मैंने कोन बनाया, परफेक्ट कोन बनाया है। और ऐसे आपको कोन बनाना है बस, और कुछ भी नहीं करना है इसके लिए। इस तरह से आपको अलग अलग पेपर्स के, चाहे तो आप सेम कलर के भी बना सकते हैं। मैंने होली के हिसाब से मैं बना रही थी अपने घर को डेकोरेशन के लिए, इसलिए मैंने ये चार कलर का यूज किया है, डिफरेंट डिफरेंट कलर। आप चाहें तो एक ही कलर यूज कर सकते हैं। और इस तरह के मैंने सारे कोन रेडी कर लिए हैं। अब मैं जो केक का जो बेस था नीचे का, जो जिसपे केक आता है वो हार्डवुड है, और इस पर मैं फेविकोल लगाकर और इन कोन को पेस्ट करूंगी। तो इस तरह से एक सर्कल में आपको पूरे में फेविकोल लगा लेना है। फेवी स्टिक से ये स्टिक नहीं होंगे, फेविकोल यूज करना पड़ेगा इसके लिए। और जैसे होली आ रही है, मैंने आपसे कहा आप दूसरे फेस्टिवल्स पे भी कर सकते हैं। ये काफी प्यारा लगता है देखकर घर में और बहुत ही सुंदर लगता है। और होली में तो और भी प्यारा, सारे कलर्स ऐसा लगता है होली के घर ही में आ गए हैं। और ये कोन लेकर मैं इसको इस तरह से यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना है। ये देखिए ऐसे जो कोन है वो इस तरह ऊपर रहना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। और इस थोड़ा थोड़ा गैप छोड़कर हम पूरे में सर्कल में लगाएंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे लगाना है। ये देखिए मैंने फेसिंग उसका ऊपर रखा है कोन का, और इस तरह से आपको लगाना है और पूरे सर्कल में ऐसे ही लगाना है। ये मैंने पिंक कलर का पूरे सर्कल में लगा दिया है। और अब मैं नेक्स्ट कलर लूंगी और उसको पेस्ट करूंगी इसमें। मैंने ऑरेंज कलर यूज किया है इसमें, गुलाल का गुलाबी रंग और ऑरेंज, इतना सुंदर लगता है ना देख के। होली मेरा फेवरेट फेस्टिवल भी है। और ये नेक्स्ट लाइन लगानी है, थोड़ा सा नीचे से लगाना है आपको, ताकि वो फ्लावर की तरह दिखना चाहिए हमको। और यहाँ पे लगा दिया मैंने, पूरे ऑरेंज कर दिए हैं। अब मैं ब्लू कलर ले रही हूँ, ये मेरा फेवरेट कलर है, और इस ब्लू को लगाऊंगी मैं उसी तरह सेम, थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर नीचे आना है आपको। फ्लावर की जैसे पेटल्स होती है उसी तरह हमें इसे बनाना है। और इसी तरह मैं ये पूरे को कवर अप कर दूंगी ग्रीन कलर से भी, ब्लू कलर से ये नेक्स्ट लाइन करूंगी। इसके बाद नेक्स्ट जो लाइन करूंगी वो मैं ग्रीन कलर से करके, और इसी तरह आपको पेस्ट करना है। थोड़ा नीचे लेते जाएंगे हम लोग, स्पेसिंग कम होती जाएगी, और यहाँ पर पूरा पेस्ट कर देना है। अगर आपने जो कोन बनाया है कम लगते हैं तो और भी बना सकते हैं, चाहे तो दूसरे पेपर्स भी, क्राफ्ट पेपर यूज कर सकते हैं, पर ये बहुत ईजी लगता है मुझे पोस्टेट यूज करने में। और इसके कलर्स भी काफी वाइब्रेंट और प्यारे हैं जो होली से मैच करते हैं, और इतना सुंदर लगता है ना रूम में लगने के बाद में। इसी तरह ये पूरे में लगा देंगे। और ये देखिए मैंने पूरा लगा दिया है। अब इसको मैं थोड़ी देर सुखा दूंगी, और ये कितना सुंदर लग रहा है वॉल पे जाने के बाद, और प्यारा लगेगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, एंड हिट द बेल बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।